लोकसभा चुनाव में एक महीने का वक्त भी नहीं बचा है। ऐसे में सियासी दल जिताऊ उम्मीदवार की खोज में जुटे हैं। अखिलेश यादव भी इसी रणनीति पर काम कर रहे हैं कि किस नेता का किस क्षेत्र में धाक है, ताकि मजबूत उम्मीदवार उसी रण क्षेत्र में उतारा जाए। इसी बीच सूत्रों से सपा से जुड़ी बहुत बड़ी जानकारी एबीपी नेटवर्क के हाथ लगी है। सूत्रों से ये दावा किया गया है कि सपा मुखिया अखिलेश यादव पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान से मुलाकात करेंगे। बताया जा रहा है कि अखिलेश यादव 22 मार्च यानी कि शुक्रवार के दिन सीतापुर आ सकते हैं, क्योंकि आजम खान सीतापुर की जेल में बंद है, इसलिए अखिलेश उनसे मिलने सीतापुर की जिला जेल में जाएंगे। अब सवाल ये है कि एक तरफ चुनाव सिर पर है, तो ऐसे में अखिलेश को आजम की याद क्यों आई, क्योंकि ना तो आजम और ना ही उनका बेटा लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं। फिर अखिलेश आजम से मिलने क्यों जा रहे हैं, इस मुलाकात के सियासी मायने क्या हैं? तो इसके पीछे वजह बताई जा रही है कि जिताऊ उम्मीदवार पर आजम से टिप्स लेना मुलाकात का मकसद है। सूत्रों के मुताबिक सपा प्रमुख आजम से मिलकर लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा कर सकते हैं, क्योंकि अभी तक समाजवादी पार्टी ने रामपुर से अपना उम्मीदवार नहीं उतारा है। ऐसे में ये कयास लगाए जा रहे हैं कि अखिलेश यादव आजम से मिलकर रामपुर के साथ साथ उसके आसपास वाले क्षेत्रों में मजबूत प्रत्याशी के चयन पर विचार विमर्श करेंगे। इससे पहले सूत्रों से ये खबर आई थी कि चंद्रशेखर आजाद भी आजम से मिलने जा सकते हैं। ऐसे में कयासों का बाजार गर्म है कि आजम खान की जेल में अखिलेश और चंद्रशेखर का आमना सामना हो सकता है। चर्चा तो इस बात की भी है कि चचा आजम अखिलेश और चंद्रशेखर की बीच की सियासी रंजिश भी दूर करवा सकते हैं।